मीनवाइल करते करते मैं बहुत कनेक्ट कर रहा हूँ इस कैरेक्टर से, बिकॉज मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, तो ये भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। एंड प्लस जो प्यार है लोगों के लिए वो एकदम प्योर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सच्चा है, दिल से है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सी ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू ग्रो इन योर लाइफ, प्लस आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हो एज एन एक्टर, आप खुद एज एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हेन यू नो देयर इज़ अ शो जिसपे आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस है, जिसके स्टोरी लाइन पर आपको भी बहुत बिलीफ है, एंड ऐसा शो करने को मिल जाता है, देन यू नो इट्स अ रियली अ ब्लेसिंग। वेल ऑनेस्टली ये जो कैरेक्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब थोड़े शेड्स हैं इस कैरेक्टर में। एंड जैसे मैं तो थोड़ा बहुत अब रिलेट करने लग गया हूँ इस कैरेक्टर से, पहले मैं ऐसा बोलता था नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, बट यू नो मीनवाइल करते करते मैं बहुत कनेक्ट कर रहा हूँ इस कैरेक्टर से, बिकॉज मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, तो ये भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। एंड प्लस यू नो इसकी जो चीज़ें हैं, इसके जो इमोशंस हैं, लाइक जो प्यार है लोगों के लिए वो एकदम प्योर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सच्चा है, दिल से है। बट यू नो समटाइम्स यू नो यू डोंट वांट टू रिएक्ट द वे यू हैव रिएक्टेड, बट वो हो जाता है। कई बार हमसे भी होता है, कई बार मुझसे भी होता है, मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट कई बार मैं लोगों के साथ कर देता हूँ। तो इसके साथ और इसके सिचुएशन में भी ऐसा है, तो ये जो कैरेक्टर है मैं कई बार ऐसा रिलेट कर जा रहा हूँ कि यार मैं अगर ऐसा कर देता तो ऐसा कैसा होता, क्योंकि मैं कर चुका हूँ कई बार ऐसा, कैसे यार मतलब एग्जैक्टली वो नहीं जो आप लोग प्रोमो में देख रहे हैं, बट कई बार होता ना हम किसी दोस्त से कुछ बात करें बट यू रिएक्ट विदाउट एनी रीज़न समटाइम्स, तो वो सारी चीज़ें हैं। वेल आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग यार, मैं अभी तक जितने भी शो किया हूँ हर शो में मेरे और मेरे एक्टर्स की बॉन्ड हमेशा अच्छी रही है, बहुत पॉजिटिव रही है, कभी कोई लड़ाई वड़ाई कभी नहीं हुई है। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, बिकॉज आई फील एक्टर्स डिपार्टमेंट ही आपके सेट का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो क्रिएट करते हैं। अगर कोई ऐसा आ जाए जिसके बहुत एक्सट्रीम टैंट्रम्स हैं, जो बहुत लड़ाकू है, या ना जब पता नहीं फालतू के एटीट्यूड जिसमें रहे, तो बहुत सारी ना चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं सेट पे, बिकॉज फिर सबको टैकल करना, फिर सबको अलग अलग चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, एंड आई डोंट थिंक कि किसी में कोई ग्रज है या कभी होगा भी, एंड आई होप ऐसा ही रहे। वेल थैंक यू सो मच यार, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मेरे सारे शोज़ को, एंड अभी हम एक नया शो लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही प्यारा लव स्टोरी है, एंड आप बहुत रिलेट करेंगे जब आप ये शो देखेंगे इसके कैरेक्टर्स से, बहुत ही अच्छा है। सो प्लीज़ वॉच इट, एंड आपको जैसा भी लगेगा प्लीज़ शेयर द रिव्यूज़ विथ अस, मैं खुद देखना चाहूँगा आपके रिस्पॉन्स कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।